वालेकुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भेरा शहर के अंदर और यहाँ आए थे तकरीबन, मैंने कहा यहाँ अगर आए तो डिस्कवर कर लें थोड़ा सा इसको। तो मैं भेरा शहर के अंदर मेन चौक के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ। भेरा शहर के तकरीबन 7 दरवाजे जो हैं वो निकलते हैं, एक दरवाज़ा मेरे पीछे है और 7 दरवाजे चौक में से निकलते हैं। अभी दिखाता हूँ, इस गली में जा रहा हूँ, तंग तंग गली है वैसे इसकी, अभी अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। ये मेन चौक देख रहे हैं आप, यहाँ से इनकी गली निकलती है तंग। वैसे अगर खाने की बात करें तो बड़ी मशहूर है यहाँ की फेनियाँ जो है ना, वो बहुत मशहूर है, बहुत बिकती हैं यहाँ की फेनियाँ हर तरफ। मतलब अगर आपको पता हो यहाँ इस फेनियों का, दूध के अंदर मिला के जो आवाम बहुत खाती है यहाँ से। गली देख सकते हैं आप, कितनी तंग तंग गलियाँ। ये इनके गेट है किस्म का, दरवाज़ा मेन जो 7 दरवाजे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये तंग तंग गली है, उसके अंदर सारे बाजार हैं, अंदर मेन चौक आ जाते हैं अंदर, दिखाएंगे आपको। ये सारी मार्केट है टोटल हर तरफ। अच्छा, ये देख रहे हैं ये शादियों में बड़ी बंदी है। पुराने हमारे गांव में तो बहुत मंदी थी पहले, लेकिन अब लोग बनाना ट्रेंड चला गया इसका। इसको क्या कहते थे, शकरपारा? शकरपारा, एक और नाम बताया आपने मुझे, खस्ता। खस्ता भी बोलते हैं इसको। और ये गुड़ वाली मिठाई है, और ये कौन सी, ये क्या चीज़ है, ये बताना है। ये बहुत मजे की यार, ये तो मेरे गाँव में बहुत बंदी थी, लेकिन अब जमाना चला गया, जमाना बहुत तेज हो गया, बनना बंद हो गया, अब लोग डब्बों वाली मिठाई खाते हैं। मेरी फेवरेट है वैसे ये मेरे अभी तक। अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि कितनी पुरानी और कदीम बिल्डिंग्स जो है ना वो यहाँ अभी मौजूद है इस भेरा शहर के अंदर। देख रहे हैं इसके ऊपर दीवारें जो है वो गिर चुकी हैं, लेकिन चेक करें कि कितनी मोटी मोटी दीवारें अभी तक मौजूद हैं। अब तो जो घर बनते हैं उनकी बहुत पतली पतली दीवारें और मजबूती इतनी नहीं होती है, लेकिन देखें पहले कितनी मजबूती होती थी, कितनी मोटी दीवारें और कितने कदीम घर मौजूद हैं अभी तक इस भेरा के अंदर। वो देखिए खिड़कियाँ, ये खिड़कियाँ मुझे वैसे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट जो है ना इस तरह की खिड़कियाँ। अच्छी, गर्मी बहुत शदीद है, तकरीबन 43 डिग्री पे जो है ना टेम्परेचर पहुंचा हुआ है, तो मेरी पसीने से देख लें बस भी बढ़िया है, और लेकिन फिर भी हम बाज़ार घूम रहे हैं। अच्छा, ये बाज़ार में देखा, यहाँ ज़्यादातर जो है ना गांव के लोग आते हैं शॉपिंग करने, क्योंकि आसपास जो है ना ज़्यादातर गाँव के लोग रहते हैं। तो ये प्लास्टिक की दुकानें, किराने की दुकानें, कपड़ों की दुकानें ज़्यादातर मैं देखी यहाँ से, कपड़ों की दुकानें ज़्यादातर मौजूद हैं यहाँ। 2-3 जो है ना वो जूतों की दुकानें ऐसे ही, मतलब हर किस्म की यहाँ मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर कपड़ों की दुकानें यहाँ मौजूद है इस बाज़ार के अंदर। अच्छा, मैं भी अब कंफ्यूज हो गया हूँ कि कितनी गलियाँ, इस गलियों के अंदर गलियाँ और इतनी गलियाँ कि मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर पहली बार कोई बंदा आ रहा है उसको समझ नहीं आएगी वो कहाँ घूम गया। अभी मैं यहाँ से वो चक वाला दरवाज़ा था, अब लालू वाला दरवाज़ा मुझे क्या वो देखने जा रहा हूँ, लेकिन इतना कन्फ्यूज हो कि गलियों की समझ नहीं आ रही है। ये जी महबूब साहब हैं और इनकी दुकान है कपड़ों की, महबूब सेंटर। ये आप मेन जो दरवाज़ा है यहाँ से अगर एंटर हो, ये महबूब साहब कौन से दरवाजा जो एंटर होते हैं आप? ये चक वाला दरवाजा है, मशहूर। अच्छा, हाँ जी, सबसे मेन दरवाजा यही मेन दरवाजा है। आपकी दुकान कितने साल पुरानी है ये वाली? ये हमारी तो बड़ी पुरानी है, मेरे वाले साहब भी इसी काम में है। ये बताए मुझे, शहर को बने तकरीबन कितने साल हो गए हैं, मतलब ये शहर जो आबाद हुआ? ये शेर शाह सूरी के दौर से आ रहे हैं, शेर शाह सूरी ने ये शहर आबाद। अच्छा, कितने साल हो गए तकरीबन? 500 साल तो हो गए होंगे, 400-500 साल तकरीबन हो गए शहर को। बहुत पुराना कदीम शहर है। हाँ जी, ये इसका जिला सरगोधा लगता है और ये तहसील है बेसिकली। हाँ जी, चले पहले ये तहसील इसकी बलवाल थी, अब ये भेरा को तहसील बना दिया, भेरा को तहसील बना दिया। अब वो कह रहे हैं कि बलवाल जो है वो तहसील जिला बन रहा है जल्दी। हाँ जी, फिलहाल अब जिला बन रहा है, फिर उसके अंदर आप एंटर आएंगे। हाँ, चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये इनकी दुकान है जनाब, ये महबूब साहब की, ये तो बिल्कुल मेन एंटर चक वाले दरवाजे से है, तो ये स्वाद है बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ वैसे वैसे जो है ना इनकी गलियाँ भी तंग होती जा रही हैं, मतलब पहले थोड़ी सी कुछ चौड़ी गली थी लेकिन यहाँ तो बिल्कुल कम हो गया, मतलब गुजरने का रास्ता बहुत मुश्किल हो गया यहाँ से। अच्छा, अभी स्कूल देखे बच्चों का हमने, देखे गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नंबर 3 भेरा, और ये गली पतली सी गली के अंदर मौजूद है, एक दरवाज़ा छोटा सा इसका और ये ऊपर जा रहा है। मेरे ख्याल से 2-3 कमरे ही हैं सिर्फ, मुझे जैसे ऐसे लग रहा है। चले जी, गर्मी बहुत शदीद है, अपने भाई को इजाज़त दें, 43 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है और मेरे सर पर गर्मी चढ़ गई है। अभी जूस पिया, अभी थोड़ा सुकून है और अभी वापस जा रहा हूँ, और अभी इतना प्यारा ब्लॉग बनाया, आप लाइक करना बनता है मेरा, ज़रूर करें वीडियो को लाइक मेरा और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपने भाई को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, गर्मी से बुरा हाल है मेरा।